बुक्स कौन सी लें खास तौर से पटवारी के लिए? तो पहली बात मैं हर बार कहता हूं, फिर से कह रहा हूं, ऐसी कोई किताब मत लेना, एक किताब कुछ नहीं होती, एक किताब ले लो और उसमें पटवारी निकल जाए, क्लियर है? कुछ किताबों पर आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। जो किताबें मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं वो छायांश में आप 6 महीने बाद 1 साल बाद बेच सकते हैं, मैं कैश आपको आधे पैसे में दे खरीद भी दूंगा, क्लियर है? मतलब ये एक्सपायर नहीं होती किताबें, तुम्हारे नाती पोता भी इससे पढ़ेंगे तो 2-4-10 क्वेश्चन उस समय भी आते रहेंगे, क्लियर है? इतनी क्रेडिबिलिटी होती है इन किताबों। सबसे पहले सब्जेक्ट की अगर बात करें तो जीके आने लग रहा है, इसी को अपन एमपी जीके भी कह सकते हैं। इसके बाद आपका कंप्यूटर आने लग रहा है, ठीक है, और मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, लिखते जाओ तुम तो थक जाओगे, वो नहीं होगा, अब हिंदी आएगी। इसके बाद साइंस आना है, साइंस के बाद इंग्लिश आना है, इंग्लिश के बाद मैनेजमेंट आना है, मैनेजमेंट और थोड़ा और आ जाओ, और कुछ बचा क्या? सबने पढ़ गए, चलो इसके बाद मैनेजमेंट आना है। इसके लिए भी किताब कौन सी होगी सही को पता है। एमपी जीके के लिए पुणेकर वनलाइनर बहुत बेस्ट बुक है, इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा, ठीक है? पुणेकर वनलाइनर अगर आप देखोगे तो सस्ती भी किताब है, बढ़िया किताब है। एमपी के लिए लोशेंट जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी, समझ गए? अशरफ अली लोशेंट से बाहर पेपर नहीं आएगा। जब मैं पास आऊं तो थोड़ा सा ऐसा कर लेना ऊपर है ना, मैं ऐसा बोलता रहता हूँ, यहाँ पे चलता रहता है सब कुछ, तो कोशिश करना मैं बड़ा मटक मटक के ऐसे आता हूँ तो थोड़ा सा तुम भी मटके दे रहा हो, इसलिए ट्राईपॉड पर नहीं लगाया, ठीक है? यहाँ पे आ रहा है मेरा, ओके ओके ठीक है, सामने देखो, हाँ सही है। कंप्यूटर में मंथन बुक आती है, मंथन में कई आती है, लेकिन कंप्यूटर में मंथन जो होती है वो सफिशियंट बुक है, ठीक है? हालांकि लोशेंट भी जिंदाबाद है, लेकिन मंथन थोड़ा सा और अच्छी लगती है, आप पढ़कर देखना, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो, ठीक है? एमपी जीके में आप अग्रवाल पब्लिकेशन की भी देख सकते हो, मैथ्स में तो एक ही है, बोलो सारे द बेस्ट, कभी खत्म नहीं होती ये किताब, और एमपी में तो कभी खत्म नहीं होगी, इसके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। हाँ एसएससी के लिए अगर कहते तो थोड़ा सा अपन को सोचना पड़ता, उसमें अग्रवाल पब्लिकेशन का भी, लेकिन यहां पर हमें मैथ्स के लिए आरएस अग्रवाल सफिशियंट है। रीजनिंग के लिए दो बुकें हैं, एक तो एस चंद्र आरएस अग्रवाल ही कहलाती है, या आप एक किताब ये ले लो या लूसेंट ले लो, दो में से कोई भी एक किताब ले लोगे बराबर है, एक किताब आपकी लगना चाहिए, एस चंद्रा कहलाती है। हिंदी के लिए लोशेंट बेस्ट है, ठीक है, बहुत प्यारी किताब है, पतली सी सस्ती, लोशेंट इसलिए कह रहा हूं सस्ती किताब है, लोशेंट में ज्यादा है, ऐसा नहीं, अदर पब्लिकेशन में भी अच्छी है, ठीक है? साइंस की अगर बात करी जाए तो साइंस में पहली बात तो लोशेंट काफी हद तक लोशेंट निपट जाती है, प्लस उसका लोशेंट ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हो, तो एक्स्ट्रा खर्चा करने की जरूरत नहीं, एक जो जीके की किताब है आपकी साइंस के लिए सफिशियंट होगा। एक्स्ट्रा पैसे हो तो मेरे से पूछ लेना, मैं आपको किताब बता दूंगा, इसमें आप यहां पर लोशेंट ऑब्जेक्टिव बोल लेना ताकि जो पढ़ा है वो क्लियर हो जाए। इंग्लिश में अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक बहुत अच्छी है, अग्रवाल अगर इस किताब को आप देखोगे तो उसने हिंदी लिखी है, ठीक है, और पब्लिकेशन जो है वो काफी हमें अच्छी लगी, अगर आप लाइब्रेरी में भी रखी है तो अगर आप देखोगे पलटाओगे तो तुम्हें अच्छा ऐसा लगेगा, मम्मी पढ़ा रही हो जैसे, हाँ ये जो उसने लिखा है हिंदी में इसलिए उसने लिखा ई सा लिए, बड़ा प्यारी किताब सी लगती है, ऐसा लगता है मम्मी इंग्लिश पढ़ाने लग रही है, इंग्लिश की बढ़िया बुक है अग्रवाल पब्लिकेशन। मैनेजमेंट के लिए ए एन पी और बी एन बी किताबें आ रही है अभी हाल फिलहाल, तो ये आनंद फानंद छपी गई किताबें हैं, तो मैनेजमेंट के लिए मैं अभी प्रेफर नहीं करूंगा कि अभी आप कोई किताब पर खर्चा करें, थोड़ा सा इंतजार करें, लोगों को करने दें, क्योंकि जो ये अपने भोपाल के पब्लिकेशन को अभी और ज्यादा तरक्की करेंगे उसको, जैसे अभी अगर आप पंचायती राज पर जाओगे तो इतनी किताबें हैं कि आपको मजा आ जाएगा पढ़ने में, ठीक है? तो कई पब्लिकेशन जो हैं खासतौर से जो उनको थोड़ा समय दो जनवरी तक का मैनेजमेंट पर आ जाने दो किताब, बाकी अगर आपको बिल्कुल ही उत्साहित करने तो बी एन पी की आई है उनकी ले सकते हो आप, लेकिन अभी किताबें काफी महंगी है।
ये सारी किताबें अजर अमर है। ये वो लोग हैं जो अमृत पीकर आए, इनकी कभी एक्सपायरी नहीं होगी, सारी किताबें जिंदा रहेंगी जब तक तुम हो। प्रबंधन की किताब को मैंने मना कर दिया है, बाकी सारी किताबें जो हैं आप कभी भी किसी को भी दे दोगे। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप तो मुझे दे देना आधे पैसे, मैं ले आऊंगा।